नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है और द हिंदू ग्रामर एंड वोकैबुलरी का सेशन, एक नया सेशन आपके सामने है। 5th of December के न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन एक अलग अंदाज में जिस प्रकार से मैंने शुरू किया हुआ है। ये यहाँ पे कुछ जो बोल्ड लेटर्स या फिर डिफरेंट कलर में आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और साथ में ट्रांसलेशन यहाँ पे होगा ही। और एक नया फीचर यहाँ पे जोड़ा गया है कॉमन एरर्स का। तो जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, उनके बेसिस पर आपको 3 questions एरर्स के भी मिलने वाले हैं। तो अंत तक ये सेशन ज़रूर देखिएगा ताकि आप वो एरर कर पा रहे हैं कि नहीं, आपने क्या सीखा है वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ। और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिया है आशीष क्लासेस ऐप का लिंक, जो आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको ग्रामर बूस्टर कोर्स मिलेगा, वहीं पर आपको मिलेगा जो द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं पर डे, वो भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियर द सिटीजनशिप बिल 2019 ऑन वेंसडे, पेविंग द वे फॉर इट्स इंट्रोडक्शन ऑन पार्लियामेंट ऑन डिसम्बर 9। द यूनियन कैबिनेट, तो यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात है, और चेयर्ड बाय, देखिए वैसे पैसिव वो इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन देखिए बगैर किसी वर्ब के पैसिव बनाने का तरीका जो है वो आप न्यूज़पेपर से सीख सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि आगे इसका डिस्कशन किया गया है, ऐसा इसको कंप्लीट नहीं किया गया है कि इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, चेयर यहाँ पे इन्होंने, मतलब ये यहाँ पे इन्होंने चेयर किया, ऐसा नहीं दे रखा है। बाकी कुछ आगे भी दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे चेयर्ड सीधा प्रयोग करके आगे सेंटेंस को एक्सटेंड किया गया है। तो यूनियन कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, चेयर का मतलब यहाँ पे अध्यक्षता की, क्लियर द सिटीजनशिप बिल 2019 ऑन वेंसडे को। तो देखिए मैंने बताया था आपको, परसों का सेशन ही था कि वेंसडे से पहले ओन का प्रयोग है, तो डेज के नेम से पहले ओन का प्रयोग करेंगे। तो वेंसडे को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, नागरिक संशोधन अधिनियम जो, मतलब संशोधन बिल था ये नागरिकता संबंधी, इसको पारित कर दिया है, क्लियर कर दिया है, पेविंग द वे। और मैंने ये भी बताया था कि जब बीच में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, अगर उसका अर्थ कोई भी काम करते हुए के सेंस में ले रहे हैं तो। तो वेंसडे को पेविंग द वे फॉर, इसको हाईलाइट किया हुआ है पेविंग द वे, तो आप समझिए कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। पेव द वे का मतलब है टू मेक द अदर थिंग पॉसिबल, अदर थिंग्स कर दीजिए, अदर थिंग्स पॉसिबल, बाकी चीज़ों को पॉसिबल करना, या कोई नई चीज़, कोई भी और चीज़ है उसके लिए रास्ता प्रशस्त करना, कोई चीज़ को आसान कर देना, उस अर्थ में पेव द वे का प्रयोग हम करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता जिसकी की गई, उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को पारित कर दिया है वेंसडे को, बुधवार को, पेविंग द वे फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट ऑन डिसम्बर 9, और आगे मार्ग प्रशस्त कर दिया है, रास्ता यहाँ पे क्लियर कर दिया है। क्योंकि देखो बाकी चीज़ पॉसिबल करने को बोलते हैं पेव द वे, तो इसी कारण से यहाँ पे दे रखा है कि किस चीज़ को पॉसिबल करना था, इट्स इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन, इट्स इंट्रोडक्शन को मैंने क्यों यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो इट्स इंट्रोडक्शन इसलिए हाईलाइट किया है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग करते हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट है, इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे नाउन है, ताकि इसको इंट्रोड्यूस किया जा सके पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का मतलब संसद है, ऑन डिसम्बर 9, कब, 9 दिसंबर को। और जब डेट की बात आप करते हैं तो भी आपको ऑन का प्रयोग करना पड़ता है, जब आप डे की बात कर रहे थे तो भी ऑन का प्रयोग करना पड़ा। आगे देखिए क्या है, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर टोल्ड द मीडिया द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन हैव बीन टेकन केयर ऑफ। अब केंद्रीय मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने मीडिया को बताया कि इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, इंटरेस्ट का मतलब हित है, ऑफ एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति के हितों की, ये हैव बीन टेकन केयर ऑफ, हैव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट प्लूरल है, इस कारण से हैव है, पैसिव का स्ट्रक्चर बनाया है, इस कारण से बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। टेकन केयर ऑफ का मतलब है उसका ध्यान रखा गया है, और ये एक फ्रेज आपको सीधा सीधा याद रखना, टेक केयर ऑफ होता है किसी चीज़ का ध्यान रखने के सेंस में, तो टेक केयर ऑफ भी एक्सप्लेनेशन मैंने डाला है ताकि आप इसको याद रखें, इस फ्रेज को, ऑफ का प्रयोग आप करेंगे, टेकन केयर ऑफ का मतलब है ध्यान रखना, तो पर सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखा गया है, एंड पीपल विल वेलकम इट, और लोग इसका स्वागत करेंगे, एज इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, क्योंकि ये राष्ट्र के हित में है, इट यह इज है,
इन द इंटरेस्ट हित में ऑफ द नेशन राष्ट्र के। तो एक बार फिर से मैं कंप्लीट ट्रांसलेशन कर देता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। तो यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को क्लियर किया वेंसडे को और आगे मार्ग प्रशस्त किया कि पार्लियामेंट में 9 दिसंबर को इसको इंट्रोड्यूस किया जा सके। यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के हितों की ध्यान रखा गया है और लोग इसका स्वागत करेंगे क्योंकि इसी में राष्ट्र का हित है और ये राष्ट्र के हित में है। अगली स्लाइड में देखिए आप यहाँ पे द बिल सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट। सीक का मतलब क्या है तो देखिए एक्सप्लेनेशन में डाला गया है सीक की तीनों फॉर्म सीक शॉर्ट शॉर्ट याद रखिएगा इस चीज़ को। सीक का चाहना तलाशना ये दोनों मीनिंग देते हैं। सीक की सेकंड फॉर्म शॉर्ट और थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट होती है। द बिल सीक्स टू अमेंड, अमेंड का मतलब संशोधन करना है चेंज करना है। तो इस बिल में इस विधेयक में इस बिल में जो बिल ये बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नागरिक संशोधन अधिनियम जो भी है ये तो ये जो है इस बिल के साथ में देखिए सीक्स है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब फर्स्ट फॉर्म में एस और ये जोड़कर इसको सिंगुलर बनाया है क्योंकि बिल यहाँ पे सिंगुलर है। अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसको संशोधन करना इसका उद्देश्य है इस बिल का। ये बिल जो है चाहता है इसका सीख का मतलब चाहना तलाश करना जैसे कि बताया मैंने तो ये बिल जो है वो अमेंडमेंट करना चाहता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कैसे करेगा बाय सीकिंग टू ग्रांट सिटीजनशिप। सीकिंग फिर देखिए चाहना तलाशना बाई के साथ आईएनजी है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद में वी जीरो प्लस आईएनजी लगता है जनरली टू के साथ नहीं लगता है बट अगर प्रेपोजिशन है तो भी नहीं लगता है लेकिन जनरली बाई के बाई यहाँ पे टू भी नहीं है बट भी नहीं है इसलिए यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग है। और कैसे कर्ण करेगा ये बिल यहाँ पे अमेंड संशोधन कैसे करेगा बाय सीकिंग टू ग्रांट सिटीजनशिप टू अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम्स इन बांग्लादेश फ्रॉम बांग्लादेश पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मतलब ग्रांट का मतलब स्वीकार करना नागरिकता देकर नागरिकता स्वीकार करके किसकी अनडॉक्यूमेंटेड मतलब जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे जो अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश के पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के उनको नागरिकता देकर हु केम टू इंडिया। अब हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी है। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स जब बीच में आप हु का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के दैट का प्रयोग करते हैं विच का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस के बीच में आ गया है इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है सबसे पहली बात। दूसरी बात इनका संबंध किससे होता है पहले वाले शब्द से तो इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि अफगानिस्तान से होना चाहिए लेकिन ये यहाँ पे संबंध जो है नॉन मुस्लिम से है क्योंकि फ्रॉम प्रेपोजिशन लग के आगे जोड़ा है तो आपको समझना पड़ेगा कि एंटीसीडेंट से इसका संबंध है कि थोड़ा कुछ पहले किसी शब्द से संबंध है तो नॉन मुस्लिम से है। तो उन नॉन मुस्लिम्स को अनडॉक्यूमेंटेड जो नॉन मुस्लिम्स हैं अनडॉक्यूमेंटेड अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है तो जो अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम्स है उनको सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात की गई है। वो लोग जो केम टू इंडिया जो भारत आए ऑन और बिफोर December 31, 2014 कब ऑन लगाया है इसका मतलब 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले तो दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो भारत आए थे उनको नागरिकता देने संबंधी बात की गई है। एक बार फिर से आप देखिएगा इसको तो इस बिल में जो ये नागरिकता संशोधन विधेयक बिल की बात कर रहे हैं इसका सीधा सा मतलब है कि सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का उसमें अमेंडमेंट इसका उद्देश्य है। और ये कैसे करेंगे ये नॉन मुस्लिम्स जो अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम्स हैं मतलब वो नॉन मुस्लिम्स मतलब जो मुस्लिम नहीं होने चाहिए गैर मुसलमान जो हैं और अनडॉक्यूमेंटेड इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको नागरिकता देकर ये करना चाहते हैं इस विधेयक को पारित या अमेंडमेंट करना चाहते हैं। और ये नॉन मुस्लिम्स कौन होंगे बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से होंगे और ये वो होंगे जो भारत आए थे या तो 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले। एज रिपोर्टेड बाई द हिंदू जैसा कि द हिंदू के द्वारा रिपोर्ट किया गया द बिल शैल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम मेघालय मिजोरम एंड त्रिपुरा एज इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिजोरम एंड नागालैंड दैट आर प्रोटेक्टेड बाई द इनर लाइन परमिट। तो एज रिपोर्टेड बाई द हिंदू जिस प्रकार जो हिंदू के द्वारा रिपोर्ट की गई है हिंदू के द्वारा रिपोर्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग द बिल शैल नॉट ये जो बिल है बिल देखिए निश्चित हो गया है किस बिल की बात आप कर रहे हैं तो दे का प्रयोग है ये जो बिल है शैल नॉट अप्लाई टू। अब देखिए बिल के साथ तो विल लगना चाहिए था है ना क्योंकि जब आप बात करते हैं आई और वी की तो शैल लगाते हैं जनरल कॉन्सेप्ट जो होता है फ्यूचर इंडेफिनेट का जो भी फ्यूचर में पढ़ते हैं तो आई और वी के साथ शैल बाकी के साथ विल। लेकिन यहाँ पे शैल क्यों क्योंकि सर्टेनिटी है क्योंकि देखिए अब ये निश्चित है कि ऐसा होगा तो सर्टेनिटी होने पर थ्रेट होने पर डिटर्मिनेशन होने पर प्रॉमिस होने पर हम उल्टा भी कर सकते हैं जहाँ पे शैल आता है वहाँ पे हम विल कर सकते हैं जहाँ विल आता है वहाँ शैल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल के साथ वैसे तो आना चाहिए था विल लेकिन हमने उल्टा किया है शैल नॉट तो ये जो बिल है वो अप्लाई नहीं होगा। और अप्लाई के साथ में प्रेपोजिशन क्या आता है देखिए अप्लाई के साथ में टू का प्रयोग आप करेंगे ये भी सीख लीजिए यहाँ पे तो ये बिल जो है वो अप्लाई नहीं होगा किस पर ट्राइबल एरियाज पर।
तो ट्राइबल एरियाज जो भी मतलब वहाँ पे जनजाति है, जनजाति क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ के, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के, वहाँ लागू नहीं होगा एज इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि इनको इंक्लूड किया गया है सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की। मैंने कहा था संविधान से पहले दे लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दे है, लेकिन पार्लियामेंट से पहले नहीं लगता है। तो संविधान की जो अनुसूची है सिक्स्थ जो छठी अनुसूची है वहाँ से मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है। और कौन से लागू नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश पे, मिजोरम पे, नागालैंड पे भी लागू नहीं होगा, दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन परमिट, जो किससे द्वारा प्रोटेक्टेड, देखिए दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है फिर से, उसका संबंध यहाँ पे किससे है, इन तीनों राज्यों से फिलहाल संबंध है, इन स्टेट से संबंध है। तो इन ये जो स्टेट्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, आर प्रोटेक्टेड पैसिव वॉइस है क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, तो ये प्रोटेक्टेड हैं किससे, ILLP से, इनर लाइन परमिट से। तो इस पूरे स्लाइड में क्या कहा गया था एक बार फिर से आप देख लीजिए, तो बिल जो है वो अमेंड करेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, कैसे करेगा, नागरिकता प्रदान करके जो अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम्स हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं भारत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, जैसा कि द हिंदू के द्वारा रिपोर्ट की गई है, ये बिल जो है वो लागू नहीं होगा जनजाति क्षेत्रों पर, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के, एज इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि इनको इंक्लूड किया गया है छठी अनुसूची के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड लागू नहीं होगा जो कि प्रोटेक्टेड हैं इनर लाइन परमिट से। तीसरी स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिटीजन्स ऑफ अदर स्टेट्स, सिटीजन्स नागरिक ऑफ मतलब का के या की रिलेट करने के लिए काम आता है, अदर स्टेट्स का मतलब बाकी राज्य, अदर के बाद जो नाउन लगाते हैं वो प्लूरल लगाते हैं, बाकी राज्य के जो अन्य राज्यों के जो सिटीजन्स हैं रिक्वायर ILP, उनको ये जो इनर लाइन परमिट हमने पढ़ा है इसकी आवश्यकता होगी, रिक्वायर इसलिए है क्योंकि सिटीजन्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि आपको वर्ब से ठीक पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा इसका रियल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो रियल सब्जेक्ट है वो सिटीजन्स है। तो सिटीजन्स ऑफ अदर स्टेट्स रिक्वायर ILP, तो सिटीजन्स बाकी स्टेट के उनको ILP की जरूरत होगी, किसके लिए, टू विजिट द थ्री स्टेट्स, इन तीनों राज्यों को विजिट करने के लिए, कौन से तीन राज्य, जो मिजोरम और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश ये काउंट करवाए हैं उन राज्यों की बात है। यहाँ विजिट को हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि विजिट का प्रयोग यहाँ पर वर्ब के रूप में है, और जब विजिट वर्ब के रूप में आता है तो इसके बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो नो प्रेपोजिशन विल बी रिक्वायर्ड, सो यहाँ पे प्रेपोजिशन की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सिटीजन्स ऑफ अदर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं उनको आवश्यकता है ILP की आवश्यकता होगी, किसके लिए, तीन स्टेट्स को, अब दे लगाया है क्योंकि हम थ्री स्टेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं थ्री स्टेट्स की बात है इसलिए दे का प्रयोग है। अगर तीन राज्यों का विजिट करना चाहेंगे तो आवश्यकता होगी ILP की, एज पर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1973, और किसके अनुसार है, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, ये नाम है कैपिटल लेटर्स में दे रखा है तो इसलिए आपको इसको इस तरह से पढ़ना है। द एग्जेम्पशन मीन्स, अब देखिए एग्जेम्पशन यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया हुआ है, तो एग्जेम्पशन यहाँ पे नाउन और द का प्रयोग है, तो द के बाद नाउन का प्रयोग है, तो आर्टिकल के बाद में सीधा नाउन आ सकता है इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है, द एग्जेम्पशन डिटरमिनर के बाद नाउन आता है, हालांकि एडवर्ब एडजेक्टिव भी आता है लेकिन आगे देखिए मींस यहाँ पे वर्ब आ चुकी है तो वो तो सीक्वेंस रहा नहीं, इसलिए इसको नाउन कंसीडर करेंगे आप। एग्जेम्प्ट से बना है, एग्जेम्प्शन छूट को बोलते हैं, फी एग्जेम्प्शन की एप्लीकेशन कभी आपने बचपन में लिखी होगी, तो एग्जेम्प्शन का मतलब छूट है। तो एग्जेम्प्शन मीन्स, ये तो छूट दी गई है, इसका मतलब है दैट हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, जैन एंड सिख कम्युनिटीज़ के, जो कम्युनिटीज़ है, ये जो समुदाय हैं, फ्रॉम द थ्री नेबरिंग कंट्रीज़, तीन पड़ोसी देशों से, विल नॉट बी एबल टू टेक अप जॉब्स, वो मतलब समर्थ नहीं हो पाएंगे जॉब्स लेने के, टेक अप जॉब्स, परचेज लैंड, ना ही वो ज़मीन खरीद पाएंगे और सेटल डाउन इन दीज एरियाज, और ना ही वो इन एरियाज सेटल डाउन हो पाएंगे, सेटल हो पाएंगे, सेटल डाउन का मतलब वही कि सेटल होना जो हम अर्थ बोलते हैं, वो नहीं हो पाएंगे इन दीज एरियाज, दीज के बाद नाउन है, प्लूरल लगती है, ये भी याद रखिएगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है दीज, दीज के बाद प्लूरल नाउन। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कहा गया है, तो बाकी स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं उनको आवश्यकता होगी ILP की, इन तीनों स्टेट्स का विजिट करने के लिए, किसके अनुसार है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अनुसार है। इस एग्जेम्पशन का मतलब ये होगा कि हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और सिख कम्युनिटीज जो हैं तीन पड़ोसी देशों से, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात की थी, उनको वो मतलब जॉब नहीं ले पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे ज़मीन, और इन क्षेत्रों में वो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। इसके बाद देखिए अगला स्लाइड क्या कह रहा है, द पर्पज ऑफ द बिल, द पर्पज है बिल का, अब देखिए बिल का पर्पज है, तो पर्पज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, सेज इसी को देखकर है, तो इस बिल का पर्पज है, उसमें क्या कहा गया है, दैट इट विल इनेबल एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण, एक्वायर करने का प्रोसेस, दैट इट विल, इट यहाँ पे बिल के लिए है,
इनेबल का मतलब समर्थ बनाएगा एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की वो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी इससे बाय पर्संस, उन लोगों के द्वारा अधिग्रहण हो जाएगा भारतीय नागरिकता का, वो प्राप्त कर पाएंगे हु वर फोर्स्ड टू सीक शेल्टर इन इंडिया, जिनको मजबूर किया गया था। हु यहाँ पे पर्संस के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन है। वर इसी कारण से क्योंकि पर्सन प्लूरल है तो इस कारण से वर है। वर के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है। जिनको मजबूर किया गया था, फोर्स किया गया था टू सीक शेल्टर, सीक का मतलब चाहना तलाशना, शेल्टर तलाशने के लिए कि वो भारत में शरण लें ड्यू टू परसिक्यूशन। परसिक्यूशन क्या है? परसिक्यूशन यहाँ पे है अनफेयर और क्रूल ट्रीटमेंट, मतलब निर्दयतापूर्ण व्यवहार के कारण और फियर ऑफ इट, और या फिर इसके डर के कारण ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, ग्राउंड्स का मतलब आधार। एंड विल एक्सटेंड द फैसिलिटी टू द क्लास ऑफ पर्सन्स, और ये एक्सटेंड द फैसिलिटी, एक्सटेंड का मतलब विस्तार करना है, और ये फैसिलिटी जो है, सुविधा है, वो उस क्लास तक देगा, लोगों की उस क्लास तक देगा प्रेजेंटली फेसिंग हार्डशिप एंड डिफिकल्टी, जो वर्तमान में कठिनाइयाँ झेल रही है। हार्डशिप्स, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज का भी मुश्किलात हैं। तो एंड यहाँ पे आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है वो है एंड, एंड के दोनों तरफ सेम चीज़ें आती हैं। एंड के पहले यहाँ पे आपको हार्डशिप्स वर्ब नाउन दे रखी है और आगे भी डिफ़िकल्टीज नाउन है, दोनों ही प्लूरल हैं, तो एंड के दोनों साइड सेम चीज़ें आपको लगानी है। इन एक्वायरिंग सिटीजनशिप, एक्वायरिंग सिटीजनशिप का मतलब हो गया सिटीजनशिप एक्वायर करने में, और देखिए इन के बाद क्या बताया था, प्रेपरेशन के बाद में आईएनजी, तो एक्वायरिंग का प्रयोग है। एक बार फिर देखिए कि पर्पज जो है इस बिल का, वो कहता है कि ये जो बिल है वो मतलब इंडियन सिटीजनशिप अधिग्रहण करने में या प्राप्त करने में मदद करेगा उन लोगों की जिनको मजबूर किया गया था भारत में शरण ढूंढने के लिए, शरण तलाशने के लिए। कारण क्या था? कारण था उनको प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर उनको डर था धर्म के आधार पर, और ये जो बिल है वो एक्सटेंड करेगा फैसिलिटी उन लोगों तक जो फिलहाल कठिनाइयाँ झेल रहे हैं नागरिकता प्राप्त करने में। द अर्लियर फॉर्म ऑफ द बिल, जो पहले वाला रूप है बिल का, द अर्लियर पहले वाला, समय में पहले के लिए अर्लियर लगता है, फॉर्म का मतलब रूप, ऑफ द बिल का मतलब जो विधेयक है, क्लियर्ड बाय द लोकसभा, जो लोकसभा के द्वारा क्लियर किया गया था। देखिए लोकसभा से पहले द का प्रयोग है, इन जनवरी मंथ का नेम है, तो जनवरी में डिड नॉट हैव दीज प्रोविजंस, उसमें ये प्रावधान नहीं थे, डिड नॉट हैव नहीं थे, पास्ट की बात है, दीज प्रोविजंस ये प्रावधान, डिड के साथ में वी जीरो लगता है, तो डिड के साथ यहाँ पे हैव है, वी जीरो है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से याद कर लेना है, डिड प्लस वी जीरो। तो अभी तक जो भी आपने सीखा है वो आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, आपको याद है कि नहीं, एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है द पर्पज ऑफ द बिल, वही लाइनें ले रखी हैं, बस आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है बगैर नकल किए, बिल्कुल जैसा एग्जाम में करते हैं वैसा यहाँ पे करके देखिए। द पर्पज ऑफ द बिल सेज दैट इट विल इनेबल एक्विजिशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप बाय पर्सन्स हु वाज फर्स्ट टू सीक, हो गया है एरर, वाज में दो नंबर गलत है, क्योंकि हु से पहले क्या है, पर्सन्स है, पर्सन्स प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे आपको प्रयोग किसका करना है, यहाँ आपको प्रयोग करना है वर का, तो इसलिए आपका आंसर होगा दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पढ़ के आए हैं इस चीज़ को। दूसरा था द एग्जेम्प्ट मींस दैट हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन पारसी जैन एंड सिख कम्युनिटीज फ्रॉम द थ्री नेबरिंग कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू टेक अप जॉब्स परचेज लैंड एंड सेटल डाउन इन दिस एरिया, लाइनें वही हैं, बस फर्क देखिए द के बाद मैंने बताया कि आर्टिकल के बाद में आपको नाउन लगाना है तो एग्जेम्प्शन करना है, आंसर होगा ए। और अंतिम क्वेश्चन है आज का द बिल सिक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय सीकिंग, मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है तो यहाँ सीकिंग आएगा। तो चलिए ये आपको पढ़ा हुआ तो थोड़ा सा आसान लगी होगी एरर्स, लेकिन आप हमेशा याद रखिए इन कॉन्सेप्ट्स को क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर ये काम आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं कल एक और नए आर्टिकल के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।